हेलो फ्रेंड्स, आई एम सफीरा गामित। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7। कल हमने सीखा था उपसर्ग और आपको जो स्वाध्याय दिया था उसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित उपसर्ग लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। फर्स्ट है दिन, तो उसका कौन सा उपसर्ग लगेगा? प्र। क्या बनेगा? प्रतिदिन। उसी तरह से लेखन, सुलेखन। गति, प्रगति। योग, प्रयोग। कुल, प्रतिकूल। गंध, सुगंध। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट है यस, उसमें आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा? अपयस। उसी तरह से सेकंड में जन, दुर्जन। थर्ड में गुण, दुर्गुण। जय, कौन सा उपसर्ग लगेगा? वी, यानी विजय। लभ, दुर्लभ। देश, विदेश। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें फर्स्ट है लाबदना, जो उपसर्ग है उसको हमें यूज करना है। तमीज, उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा? बद, यानी कौन सा वर्ड्स बनेगा? बदतमीज। सेकंड खुश, उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा? ना, तो कौन सा वर्ड्स बनेगा? ना खुश। उसी तरह से नाम, उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा? बद, बदनाम। उसी तरह से फोर्थ लापरवाह, बदनसीब, लाजवाब। समझ में आ गए बच्चों? तो बच्चों आज हम सीखेंगे प्रत्यय। कल हमने क्या सीखा था? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। और प्रत्यय पीछे। प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? व्याख्या देखेंगे। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, यानी प्रत्यय पीछे लगते हैं, है ना। उसी तरह से उसके एग्जाम्पल देखेंगे, प्रत्यय और एग्जाम्पल। अक, अक क्या है? वो प्रत्यय है। कारक, कारक, कारक बोलते हैं तो लास्ट में कौन सा वर्ड सुनाई देता है? अक, है ना। पाठक, पाठक हम बोलेंगे तो कौन सा प्रत्यय सुनाई देगा? अक। लेखक, अक सुनाई देता है? आप भी बोलकर ट्राई कीजिए। सेकंड अनिय, निंदनीय, है ना, अनिय सुनाई दे रहा है प्रत्यय। कथनीय, कथनीय जब बोलते हैं तो कौन सा प्रत्यय सुनाई दे रहा है? अनिय। स्मरणीय, है ना, उसी तरह से आ प्रत्यय है। तो प्यारा, प्यारा जब बोलते हैं लास्ट में कौन सा प्रत्यय सुनाई दे रहा है? आ। उसी तरह से प्यासा, प्यासा में लास्ट में कौन सा प्रत्यय सुनाई दे रहा है? आ। भूखा, उसी तरह से सूखा, है ना। फोर्थ प्रत्यय है आई, पढ़ाई, तो उसमें क्या है? पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, भलाई, पंडिताई, तो उसमें लास्ट में कौन सा प्रत्यय सुनाई दे रहा है? आई। उसी तरह से प्रत्यय है आऊं, उसी तरह से वर्ड्स कौन से बनेंगे? खाऊं, चलाऊं, टिकाऊं, उसी तरह से आकू प्रत्यय है। उसी तरह से वर्ड्स बनेंगे पढ़ाकू, लड़ाकू, है ना। उसी तरह से आन प्रत्यय है, थकान, उड़ान, मिलान। जब आप बोलेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि लास्ट में कौन से प्रत्यय हमें सुनाई दे रहे हैं, है ना। उसी तरह से देखेंगे अरा, तो कौन से वर्ड्स बनेंगे? ममेरा, चचेरा, फुफेरा, है ना। उसी तरह से प्रत्यय है कर, चल कर, पी कर, खा कर। प्रत्यय है कार, तो कौन से वर्ड्स बनेंगे? चित्रकार, चाटुकार, पेशकार। कार कार प्रत्यय लग रहा है ना। खोर, आदमखोर, रिश्वतखोर, सूदखोर। उसी तरह से गर प्रत्यय है, तो कौन से वर्ड्स बनेंगे? जादूगर, बाजीगर, सौदागर। लास्ट में है ना गर, गर, वो क्या है? प्रत्यय है। उसी तरह से तह, तया, है ना, तो साधारण तह, विशेष तह, विशेष तया, साधारण तया। तया और तह हमें दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स में। उसी तरह से ता और त्व प्रत्यय है, पशुता, सज्जनता, ममत्व, मनुष्यत्व, है ना। त्व, त्व प्रत्यय लगे हैं, मनुष्यत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है? त्व। उसी तरह से सज्जनता में ता प्रत्यय लगा है। आप सबको समझ में आ गया?
प्रत्यय किसे कहते हैं? अब आप भी घर पर ट्राई करना है ना ये सारे वर्ड्स बोलकर। उसी तरह से 7 नंबर देखेंगे आन प्रत्यय है, उसका वर्ड्स क्या बनेगा? थकान, उदान, मिलान। आप प्रत्यय है बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा। 9 आर प्रत्यय लुहार, सोनार, चमार है ना। आलू प्रत्यय है तो उसके वर्ड्स बनेंगे कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। अहट प्रत्यय है ना तो चिकनाहत, कड़वाहत, ससराहत, सरसराहत सॉरी। 12 इक प्रत्यय ऐतिहासिक, वार्षिक, भौतिक। इक प्रत्यय लगा है ना। इमा लालिमा, महिमा, कालीमा। और इया प्रत्यय बधिया, खटिया, मोटिया। ई प्रत्यय बोली, हसी, परिश्रमी, क्रोधी, धनी। लास्ट में कौन सा प्रत्यय हमें सुनाई दे रहा? ई है ना। उसी तरह से ई प्रत्यय राष्ट्रीय, भारतीय, स्थानीय। इन प्रत्यय कौन से वर्ड्स बनेंगे? रंगीन, शौकीन, नवीन। ईला प्रत्यय रंगीला, सजीला, चमकीला। ऊ प्रत्यय खाऊ, रट्टू, बाजारू है ना। ए प्रत्यय किताबे, बोतले, भूचाए। त्वा त्व प्रत्यय तो हम सीख गए हैं। दानी प्रत्यय मच्छरदानी, चूहेदानी, साबुदानी। दार प्रत्यय फलदार, पत्तेदार, ईमानदार। नाक खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक। नी शेरनी, मोरनी, ओढ़नी। पन बड़प्पन, बचपन, कालापन। पूर्वक बड़पूर्वक, विधिपूर्वक, कृपापूर्वक। पोष मेजपोष, नकाबपोष, थालपोष है ना। बाज दगाबाज, धोखेबाज, पतंगबाज। उसी तरह से मंद प्रत्यय अंकलमंद, गरजमंद, सेहतमंद। वती मती, गुणवती है ना। वती प्रत्यय लगा है रूपवती, वती प्रत्यय लगा है श्रीमती, पति प्रत्यय लगा बुद्धिमती, मति प्रत्यय लगा है ना। उसी तरह से वाला गाने वाला, तांगे वाला, लिखने वाला। उसी तरह से वान प्रत्यय धनवान, बलवान, पहलवान। आप सबको समझ में आ गया कि प्रत्यय किसे कहते हैं? तो बच्चों आपको ये सारे प्रत्यय आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू।